स्पीकर से बात करो ना। है पहले एक दिन माइक दे दो, फोन साइलेंट कर दो, फोन साइलेंट कर दो, पानी का बटन चल चालू कर। एक मिनट, जस्ट गिव यू वन मिनट ओनली, यू जस्ट मोदी के फैन है, मैं आसाम को बैठे की बात करो शुरू करिए। हेलो, क्या हाथ में ये रख के बोले? एक मिनट चेक, हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो हेलो आओ पीछे शुरू करिए। मित्रों, गुजरात गौरव क्लब वती हूँ सौ प्रेस मित्रों भाईबंदों हार्दिक स्वागत करू छू कि तमे आटला टूका नोटिस पर अने आटली मोटी संख्या में अहीं पधार्या छो, फरी एक बार आपनो आवकार करू छू। गुजरात गौरव फेन क्लब नी स्थापना 2005 में अमे पहला बे मित्रों एक वक्त बैठा था त्यारे अमने विचार आयु केम ना आ जे अमारा गुजरात ना लोक लाड़ीला मुख्यमंत्री छे जे आटलू सारू काम आपड़ा गुजरात माटे करी रहा छे अने आटलू एमना फेन केम क्लब एमना बनाईए, तो 2000 फेन में अमे पहला 50 भाईबंद भेगा थया, पछी 100 थया, एवी रीते हजारों में भाईबंदो जोड़ाता गया अने 2005 में अमे गुजरात फेन क्लब नी स्थापना करी। 2007 में अमे गई इलेक्शन वखते जीतेगा गुजरात .com नी वेबसाइट लॉन्च करेली, जेनो अत्यारे इतिहास बनी चुक्यो छे के 62 लाख हिट थई चुकी छे, जे एक पोतामां पोते एक मोटो इतिहास छे के कोई भी एक वेबसाइट ना 62 लाख हिट थवा। हमारो मेन उद्देश्य छे के गुजरात ना अपना मुख्यमंत्री गौरव फेन क्लब की ओर से मैं आपके सामने कुछ बात प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। ये बात इस प्रकार है कि आप सबके मन में प्रश्न हो रहा है कि फैन क्लब क्यों है। कई मित्रों ने मुझे आज प्रश्न किया आने से पहले कि राजीव भाई, नरेंद्र भाई, ये आपने फैन क्लब बनाई है तो इसका क्राइटेरिया क्या है, ये आपने फैन क्लब क्यों बनाई है। मैंने उन साथियों से कहा, मेरे प्रेस के मित्रों से कहा कि फैन क्लब का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसके दिल के अंदर आप छू जाए। आप मोदी साहब को देखिए, वो खड़े रह रहे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज स्पीक कर रही है, वो ऐसे जब खड़े रहे तो ऐसे लगता है कि कोई विकास पुरुष खड़ा रह रहा है। मोदी साहब जब खड़े रहे तो उनकी एक्शन बोल रही है, वो जब प्लान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका लॉन्ग विजन है। तो ऐसे जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर नरेंद्र मोदी इज अ जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, इज अ लॉन्ग विजन, ये इज अ क्लियर थिंकिंग, ये इज अ फोकस इन द माइंड व्हाट यू वांट टू डू। और जिस तरह से 2020 के अंदर आने वाले वर्षों के अंदर हमने पिछले साल देखा कि जिस प्रकार मोदी साहब ने गुजरात का विकास किया है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अभी विदेश गया था, विदेश जाने के बाद में जैसे मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट में लैंड किया और इमिग्रेशन के अंदर मैंने जब पासपोर्ट दिया तो पासपोर्ट जस्ट उन्होंने हाथ में देखा, देखते उन्होंने कहा ओ यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ द मोदी, यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ द मोदी। उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ थप्पा मारा और मेरे को पूछते रहे कि मोदी साहब कैसे हैं, गुजरात का विकास कैसा है। तब मैंने उन्हें कहा विकास, गुजरात का विकास आओ तब मालूम पड़े, आपको दूर बैठे मालूम नहीं हो सकता गुजरात क्या है। गुजरात स्वर्ग है, गुजरात स्वर्ग है। दीपावली के टाइम पर आके तो देखिए 1 लाख बच्चे, युवा युवतियां इस तरह गुजरात शहर के अंदर घूमते हैं कि किसी को मालूम ही नहीं है कि यह हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है। ये कुछ समाज के लोगों ने हम लोगों को बांट दिया है, बाकी गुजरात में ऐसी कोई ना कोई भावना है ना कोई व्यवस्था है। तो गुजरात इस प्रकार चल रहा है और इस दौरान हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम के द्वारा हम आने वाले समय के अंदर कौन सा काम करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप में 5 काम है, वो मैं आपको अभी शेयर करना चाहूंगा। जैसे भी बताया, नंबर 1 कि जीतेगा गुजरात.com वेबसाइट जो हमने लास्ट लॉन्च की थी, जिसकी हाईएस्ट व्यूअरशिप हुई है, जैसे भी नरेंद्र भाई सुमानी साहब ने बताया, हमारे चेयरमैन साहब ने, कि 62 लाख इसकी शूट्स हुई है जिसका 4000 सब्सक्राइबर है और 1500 वीडियो अपलोडेड है। तो ऐसी वेबसाइट को हम और अपग्रेड कर रहे हैं और कुछ ही देर के अंदर हम आपको प्रेजेंट भी करेंगे। साथ ही में हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट आज का है वो है कि आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत नरेंद्र मोदी का हमने टेबल आइकॉन अब लॉन्च करने जा रहे हैं। हमने ये प्रश्न भी किया है कि आइकॉन क्यों, हमने जवाब दिया ही इज अ मोटिवेटर टू अस, उनके उनके प्रेजेंस ही अपने आप के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करती है। तो ये आइकॉन वो हमारे ऑफिस के अंदर, घर के अंदर,
और हमारे व्यवसाय के अंदर हमारे टेबल टॉप बना रहेंगे और उनसे हम प्रेरणा लेते रहेंगे। तीसरा हमारा काम रहेगा कि जो युवा वर्ग है, जो हमारे परिवार के सदस्य है, हमारे जैसे हजारों की संख्या के अंदर हमारे मेंबर्स है, उन सभी के बच्चे आज वोटिंग एज के अंदर आ गए हैं। वी आर गोइंग टू प्रमोट देम, वी आर गोइंग टू मेक देम फील दैट योर वोटिंग इज इम्पोर्टेंट, वोटिंग इज नेसेसरी। और हमारे परिवार के जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज आज 70-80-90 साल हो चुकी है, वो भी वोटिंग देने के लिए कई बार उनको इनकन्वीनियंस होती है, तो उनको भी हम मोटिवेट करके, उनको भी हम सहयोगी बनकर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ये हमारी प्रेरणा रहेगी। साथ में जो गुजरात के विकास की बात है, वो भारतवर्ष के हम अंदर उसको पहुंचाएंगे। ये कुछ बात को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अब आपके कोई प्रश्न हो तो हम जरूर उसका उत्तर दे सकते हैं। उसके पहले जैसे बताया अभी कि हम वेबसाइट को भी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद आइकॉन लॉन्च करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वेबसाइट को। Yes, this is the website, sir. Of course, yeah. सिंबॉलिक इसके लिए है कि इंस्पिरेशन देता है। आप इनका टेबल के ऊपर इनका चित्र रहेगा तो हर हमेशा जो काम करने वाला है उसको पॉजिटिविटी रहती है। नरेंद्र मोदी जी इज नॉट अ लीडर, इज अ लीडर नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन बट इज अ लीडर बाय एक्शन, एंड बीइंग अ लीडर बाय एक्शन आज की तारीख में इसकी सबसे ज्यादा मांग हमारे पास में लेडीज और युवाओं की है। लेडीज अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहती है और युवा पीढ़ी अपने टेबल अपनी स्टडी टेबल पे रखना चाहता है, बिकॉज दे कंसिडर देम इटसेल्फ एज अ रोल मॉडल। जब मैं आपको ये रोल मॉडल की बात करता हूं, मैंने युवाओं से पूछा कि आप इनको रोल मॉडल क्यों मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आज की युवा कहते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को 2002 के बाद में एड्रेस किया, उन्होंने उस शब्द को प्रॉब्लम नहीं समझा, उन्होंने उस शब्द को चैलेंज माना और चैलेंज में रूप कर लेकर और जहां जहां भी क्राइसिस आई नरेंद्र मोदी जी ने उसको अपॉर्चुनिटी मानी। कांग्रेस सरकार
अगर उन पर कोई प्रहार करती है तो उसे क्राइसिस नहीं मानती, उसे तक मानती है और तक को लेकर उसी मुद्दे को लेकर उसको वापस सामने डालती है। उन्होंने कभी इंडिविजुअलिटी नहीं रखी, उन्होंने हमेशा एज ए टीम को डेवलप करने की कोशिश की। टीम का मतलब जब कहा कि नहीं कि खाली मंत्रिमंडल, उन्होंने गांव गांव तक आम आदमी तक पहुंच पाए। गुजरात गौरव फैन क्लब का काम यही है कि जो उनके फैन है, फैन के लिए कोई परिभाषा नहीं होती, फैन फैन होता है। कि आज कई लोग आमिर खान के फैन है, कई लोग सलमान खान के फैन है, कई लोग अमिताभ बच्चन के फैन है, कई लोग ओबामा के फैन है, कई लोग हरिवंश रविंद्रनाथ टैगोर के, विवेकानंद जी के, महात्मा गांधी के फैन आज वर्ल्ड क्लास के अंदर है। वैसे ही प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, प्यार का कोई शब्द नहीं होता। तो गुजरात फैन क्लब के ये है कि बस हम उनके आशिक है। दैट्स आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द। हाँ जी हाँ जी, ये आप उसे अपने नजरिए से डांसिंग देते हैं और हम उस नजरिए से देखते हैं कि हर दृष्टिकोण में ये हाँ कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसे यस वोट बेसिकली, आप उसे हाँ भी कह सकते हैं। आप उसे किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं उस पर ये आधार रखता है। हम हमारे एक लोहा पुरुष जिसे कहते हैं, हम इंस्पिरेशन जिसे कहते हैं, हम मार्गदर्शक जिसे कहते हैं, हम मैन ऑफ विद एक्शंस, विजन्स, स्ट्रांग ड्रीम्स, कन्विंसिंग पावर, डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं, ये गुजरात है हमारे लिए। नरेंद्र मोदी मीन्स गुजरात है, दैट्स ऑल। कोई प्रश्न था पूछ सकते हैं? जैसे अभी संजीव ने बताया कि नरेंद्र मोदी कहते, हम नहीं कहते गुजरात है, ये भारत के सारे लोग कहते हैं, भारतवासी कहते हैं। और सही माने में अगर हम फैन क्लब के मेंबर ने जो हमने अनुभव किया, ये अनुभव किया जब हम कलकत्ता गए, असम गए, अगरतला गए, सिलचर गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए, साउथ के अंदर गए, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास में ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। आप लक्की हो कि आपके पास में नरेंद्र मोदी है, हमारे पास में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है। हमने बोला कि नरेंद्र मोदी का आपको लीडरशिप चाहिए, उनकी प्यार मोहब्बत चाहिए, तो गुजरात चले आइए। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि गुजरात क्या है, स्वर्ग है। इस स्वर्ग की भाषा के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष के अंदर, आने वाले जो है, द थिंग इज गोइंग टू बिकम ए टोटल डिफरेंट। एक टूरिज्म हमने यहां देखा, वाइब्रेंसी हमने देखी, इंडस्ट्री ग्रोथ हमने देखा, युवाओं का काम हमने देखा, महिलाओं का काम हमने देखा। कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर विकास नहीं हुआ हो? हर क्षेत्र के अंदर एक तरफी विकास हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। हजारों की संख्या में बनाया जाए, हजारों की संख्या में बनाया जाए, याद करो। हमें बधा मित्र भेगा पड़ी जाए, पहला तो हमारा बधा मित्रों ने आपीशू, अरे पछी जेने कोने सेल करवा पड़ी जाए सेल भी करी सकते, इंटरनल बधा मित्रों ज करशे। કિંમત હજુ નક્કી નથી કરી, અમે કિંમત નથી, અમે જે કોસ્ટ પ્રાઇસ હશે એ જ લઈશું। એટલે આપ આ ફેન ક્લબના મિત્રોના પરિવારોની અમે શરૂઆત કરીએ છીએ અને પછી અમે ધીમે ધીમે આગળ વધીએ છીએ। નહીં અભી અભી આજ તો લોન્ચ કિયા, અભી રજીસ્ટર ભી કરવા લેંગે અભી। મેડમ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ગિવિંગ અ રાઇસ સજેશન ટુ અસ। नो नो नो, नो बड़ी इज बीजेपी, दिस इज नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। आपने बताया कॉस्ट प्राइस पे दिया जाएगा फ्रेंड्स को, तो कॉस्ट प्राइस क्या है इसमें? भैया इसका अभी तक आ रहा है लेकिन 50-60 रुपया करीब आएगी। एंड डू यू हैव द पॉलिटिकल बैकिंग ऑफ द बीजेपी, एनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स? नो नो नो। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे नरेंद्र भाई हमारे चेयरमैन साहब ने पहले बताया कि गुजरात गौरव फैन क्लब इज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ मित्रों का प्यार है मोदी साहब के लिए, वन साइडेड प्यार को तो अभी चले, उनको मालूम भी नहीं होगा कितने सारे उनके फैन। हम जो प्यार करते हैं वो एक तरफ ही प्यार करते हैं ना। आप देख सकते हैं इस माहौल के अंदर, इस प्रांगण के अंदर एक भी पॉलिटिकल लीडर भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का यहां पर आपको दिखेगा नहीं। और पूरे सिस्टम के अंदर आपको यह नहीं लगता कि हम कोई मन से सब काम कर रहे हैं? अपने आप ही हो रहा है। आप देखिए हर फैन क्लब के मुंह में एक बीजेपी ही है, तो बीजेपी से ऑटोमेटिक ऐसे तो है कि हर आदमी फैन क्लब के मन में बीजेपी ही है और कुछ नहीं है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी। मित्रों आपको प्रेस में निवेदन करूंगा कि फैन क्लब के अंदर बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों ही प्रेस कर, बीजेपी नरेंद्र मोदी बीजेपी साइड ऑफ एक सिक्के के दो पहलू। आज आपको देखेगा फैन क्लब के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को लव अफेक्शन बोलो या इसकी फॉलोअरशिप बोलो तो वह लेडीज और युवाओं का, जैसे मैंने आप कहा, तो आज की ये लेडीज यहाँ पर जो उपस्थित है, दैट इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट दैट हाउ मच नरेंद्र मोदी हर घर के
परिवार के अंदर है, ड्राइंग रूम के अंदर है, उनके चूल्हों तक उनके पास क्या है। फैन क्लब का आप लोग इकट्ठे आ गए हैं यहाँ पे, फैन क्लब का पर्पस क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फैन क्लब? ओनली द पर्पस इज स्ट्रेंथनिंग एंड लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द नरेंद्र मोदी, दैट्स द वेरी वन पर्पस। और उनका जो विकास किया है वो हर शहर हर गांव तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, सराहना है, प्यार करना है, हम प्यार का इजाफा कर रहे हैं कि हाँ हम जो है क्योंकि विकास जो होता है असली तरह से लोगों तक पहुंचता नहीं है। नो वन लीडर, ओनली फ्रेंड एंड फैन। जो मैं बताया आपको, विकास जो हर लोगों तक नहीं पहुंचता, जो गांव तक, हर गांव तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि जो विकास हुआ है हर गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए, हर एक, ये मेन उद्देश्य है। गुजरात नो विकास थयो छे, गुजरात नो विकास नरेंद्र भाई मोदी ए कर्यो छे, अने अमे बधा ज एमना विकास थी प्रभावित छे, एटला माटे नी अमारी आ क्लब। आ बधा ने विनंती के एक एक लाइन एने पाछळ आपो, पाछळ आपो, पाछळ आपो। नीचे से पकड़ो, 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 नीचे से नीचे बैठ। ऑल लेडीज मजा आ जाए, ऑल लेडीज मजा आ जाए, आप भी भाभी आ जाए। हेलो, वी फॉर विकास, वी फॉर विश्वास, वी फॉर विजय, वी फॉर विकास, वी फॉर विश्वास, वी फॉर विजय, वी वी एंड वी। आप मीडिया के बंदों से मैं बताऊंगा थोड़ा सा, क्या देख सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, हम एक मन की बात ही शेयर करें जिसको एवरीबडी इज फ्री टू शेयर थिंग बेसिकली। तो ये जब फैन होते हैं तो इसी तरह ये फैन किया, आप अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर प्रकार के अलग अलग अपने मीडिया ली होगी, बट दिस इज समथिंग अ रियल फैन। बोलो वहाँ क्या बोलते, कोई सवाल हो या कुछ हो, कोई सवाल गुजरात में हर कोई सेफ है, महिलाएं भी सेफ है, रात को 12 बजे तक जो भी हमारी बहन निकली बाहर जा सकती है, ये हम सबकी एक फीलिंग है मोदी जी के लिए और मोदी के गुजरात के लिए। बढ़िया, अब
विक्टरी दिखा दो, दूसरा विक्टरी यस। निकालो निकालो निकाल दो, चेहरा देखो मास्क निकाल दो।